सुशांत गोल्ड सिटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह स्कूली बच्चों को लेकर निकली सीएमएस स्कूल की वैन का टायर फटने से वैन अनियंत्रित होकर कार डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना में वैन में सवार 6 बच्चे घायल हो गए। लासियो मॉल के निकट हुए सड़क हादसे में पलटी हुई वैन से पीछे से आ रही एक थार कार भी टकराई, लेकिन थार कार चालक ने सूझबूझ से कार पलटने से बचा लिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे निरीक्षक अंजनी कुमार मिश्रा एवं पुलिस कर्मियों ने घायल बच्चों को तत्काल ही लोहिया अस्पताल पहुँचाया। लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों से बातचीत कर गंभीर रूप से घायल दो स्कूली बच्चों आराध्या और माही के अभिभावकों ने उन्हें नजदीक के प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर कराया। शेष घायल बच्चों में आशुतोष गुप्ता, नंदनी, अर्थ और सार्थक का लोहिया अस्पताल के इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। पुलिस कर्मियों की सूचना पर बच्चों के अभिभावक भी अस्पताल परिसर में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल वैन पलटने की घटना का संज्ञान लेते हुए लोहिया के चिकित्सकों को समुचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं। आज प्रातः 7:30 बजे थाना सुशांत गोल्ड सिटी में शहीद पथ पर लासियो माल के पास एक बच्चों को ले जा रही वैन जो गोमती नगर सीएमएस स्कूल जा रही थी, ये दुर्घटनाग्रस्त हुई। दुर्घटना का कारण था उसका टायर फट गया। टायर फटने से गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें 12 बच्चे सवार थे, 12 में 6 घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा 2 मेदांता अस्पताल में है। मेदांता में एक बच्ची है जिसकी 9 वर्ष उम्र है, जो क्रिटिकल पोजीशन में है, जो आईसीयू में है, और शेष बच्चे को सामान्य चोट लगी है। शेष जो 6 बच्चे हैं वो घर चले गए हैं और इसके जो ड्राइवर है इसको कब्जे में ले लिया गया है। थाना सुशांत गोल्ड सिटी में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। यातायात और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। घटना की सूचना प्राप्त होते ही मेरे द्वारा ACP गुसाईगंज, एडिशनल DCP ईस्ट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। एक विशेष बात और है कि जो इसमें एक गाड़ी और थी थार जो पीछे चल रही थी, जब ये दुर्घटनाग्रस्त हुई तो वो भी टकराई और उसके वो भी पलट गई। उसमें भी बच्चे थे जो जयपुरिया स्कूल के थे, लेकिन उसके बच्चे सुरक्षित हैं, किसी प्रकार की कोई किसी चोट नहीं लगी। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।